दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे, इस वक्त मेरे हाथ में आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल है, जो कि आज मैं इसको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे परचेज़ किया और आप भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं। आज मैं इसको बताऊंगा कि जो ये तेल है ये ओरिजिनल और फेक में क्या अंतर होता है, तो इसी सबसे जुड़ी जानकारी आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो इन दिनों आप सब देखते होंगे इंटरनेट पर आदिवासी हर्बल हेयर का खूब सारे एड्स आ रहे हैं और इनके प्रोडक्ट खूब सेल हो रहे हैं। तो क्या वाकई में अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगाएंगे, और जो इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों तो वाकई में आप कैसे इसको जानेंगे और पहचानेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल है, जो कि यहाँ पे देखिए इसका लिखा भी गया है और इनके लोगों में आप देख सकते हैं इनके कुछ यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा। आप सब इनको तो खूब देखे होंगे नेट पर द्वारा और काफ़ी एड्स में भी आते होंगे और इनके भी देखेंगे यहाँ पे लोगों में तस्वीर देखने को मिल रहा होगा। और फिलहाल दोस्तों ये जो बॉटल है ये मतलब 500 ml का बॉटल है, जो कि ये 1500 रुपये में आता है। और इसको दोस्तों मैंने कैसे मंगाया है ये अब मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने WhatsApp के ज़रिए इनके जो नंबर होते हैं मैंने उसी नंबर में से मंगाया था, और उसको मंगाने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा करके बॉक्स में ये पैक करके आया था। तो दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, क्योंकि अनबॉक्सिंग दोस्तों पहले करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त हमें वीडियो कॉल करके इनको दिखाना पड़ता है कि जो मेरे पास जो ऑयल आया है वाकई में ये ओरिजिनल है या फेक है। क्योंकि आप जिस नंबर से इनके ऑर्डर को जब परचेस करेंगे तो आपको उसमें व्हाट्सएप के जरिए आपको ये वीडियो कॉल भी करते हैं, आप वीडियो कॉल करके इनसे बात भी कर सकते हैं और अपने हेयर भी दिखा सकते हैं, उसी हिसाब से आपको ये तेल कैसे लगाना है वो भी बताएंगे। फिलहाल अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे लगाना है, पहले इसको बता देते हैं इसकी ओरिजिनलिटी आप कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास ये तेल आ रहा है तो आप देखेंगे इसके बॉटल कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 50 ml के हैं, और इनके जो लोगो होंगे वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ख़ास बात, पहले आप इसे कैसे मंगा रहे हैं ये जान लीजिए। आपको दिए गए नंबर पे ये देख सकते हैं कुछ नंबर यहाँ पे है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसी दिए गए नंबर पे आप इनको व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद आपको व्हाट्सअप पे अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पिन कोड ये आपको सेंड करना पड़ता है, उसके बाद ये आपको ये तेल प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों सबसे खास बात, घबराने की कोई बात नहीं है। ये तेल जैसे आप मंगा रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं घबरा जाते हैं हमारा तेल नहीं आ रहा है, ये प्रोसेस होने में आपको कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन लग सकता है, क्योंकि मुझे इसको खुद मंगाने में 12 दिन लग गए थे दोस्तों। और बराबर इस वक्त बारिश का मौसम भी है जैसे आप सब देख ही रहे हैं, और उस वजह से इनके तेल आने में और भी लेट हो रहे हैं। और देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से बॉक्स था, जो कि ऐसे ही बॉक्स में हमारा ये तेल आया था, जो कि मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी किया था। और देखेंगे दोस्तों ऐसा ही कुछ बॉक्स है, आप सब देख ही रहे होंगे। और दोस्तों ख़ास बात, इस बॉक्स में ऐसा इनका एक लोगो फ़ोटो भी देखने को मिलेगा, तो ये इनकी पहचान है, इससे आप पहचान लेंगे कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये आपका ओरिजिनल है या फेक है। फोटो से आप पहचान सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो कॉल करके इनसे बात करके पहचान सकते हैं। और ये दोस्तों जो लोगों में जो फोटो लगा है ये लगा रहना बहुत ही आवश्यक है। और देखेंगे यहाँ पे साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसमें लिखा हुआ नो साइड इफेक्ट। और दोस्तों इसको लगाना कैसे है ये भी जान लीजिए, हफ्ते में इसको 3 बार लगाना है। अगर जिनके बाल मतलब एकदम मतलब ऐसे हो गए होंगे या बहुत ही कम झड़ गए होंगे तो वो क्या करें, पहले अपने बाल को शेव करा लें, उसके बाद अपने बालों पर ओनियन काट कर बीचों बीच अपने हेयर पर दोस्तों ऐसे ऐसे करके मालिश करें। 5 मिनट तक तो मालिश करें, उसके 1 घंटे बाद आपको क्या करना है उसको साफ करके फिर उसके बाद ये तेल लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके बाल झड़ गए हैं अगर उनमें 1 हफ्ते तक अगर कुछ मतलब सांसें रहती हैं जो जड़ में, तो वो खुल जाएंगी पंखुड़ियाँ, और उसके बाद ये ऑयल उसका काम करेगा। और जिनके बाल स्वस्थ हैं तो वो है तो आप 2 नंबर पे ट्रिम करा के भी लगा सकते हैं, या तो आप उसके हफ्ते में वैसे भी करके जड़ों में बाल ये तेल लगा सकते हैं, जड़ों में ये तेल लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लगाने के कुछ विधि दोस्तों इस प्रकार है, और तेल तो आप देख ही रहे हैं। और इसके डेली आप हमारे चैनल पर दोस्तों जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लें, इसके रिव्यू देखने को मिलेंगे। आज मैंने तो तेल मंगाया जो कि आज मेरा तेल आ चुका है, अब इसके बाद दोस्तों हर 5 डे या 7 डे के बाद इसका मैं आपको रिव्यू करके भी बताऊँगा कि जो मुझे ये तेल मिला है वाकई में ये ओरिजिनल है,
ओरिजिनल तो है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ओरिजिनल तेल ही है। लेकिन ये ओरिजिनल तेल क्या वाकई में जितना ये लोग दावा करते हैं कि बाल आ जाएंगे, रूखे बाल स्वस्थ हो जाएंगे, क्या वाकई में ये सत्य है? ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं अपना हेयर भी दिखाऊंगा उसमें कि मेरा हेयर कैसा है, और मैं एक हफ्ते से लगा रहा हूँ, कैसा हुआ उसके बाद अभी देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं डेली एक हफ्ते बाद फिर रिव्यू करके लाऊंगा, क्योंकि अभी दोस्तों मेरे हेयर भी काफ़ी बड़े हैं, अभी मैं उनको छोटा ट्रिम कराऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं इसको तेल को लगाऊंगा। और वो वाले भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और उसके बाद मैंने जिस नंबर से मंगाया था वो नंबर भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर डाल दिया हूँ लिंक में, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। या दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो आप इनके इस दिए गए नंबर पर मंगा सकते हैं। और इसमें देखेंगे दोस्तों 500 ml का आपको 1500 का मिलेगा, और उसके बाद 1 लीटर का आप मंगा लें तो आपको 25 रुपये का मिलेगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कुछ इसमें लिखेंगे, क्योंकि इसमें 108 जड़ी बूटियों से ये बना है, तो जाहिर सी बात है ये सारा जड़ी बूटी तो नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ जड़ी बूटी लिखेंगे। इसमें जैसे लिखने को मिल रहा होगा कोकोनट मिल्क है, भृंगराज है, एलोवेरा है, नीम है, ब्राह्मी है, तुलसी है, मतलब इन तमाम प्रकार के जो जड़ी बूटी इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके यही इनके इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ सबसे इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।